जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि आंगनवाड़ी संबंधित किसी भी राज्य की कोई भी खबर होती है, चाहे आपके वेतन बढ़ोतरी संबंधित खबर हो या आपके स्थायीकरण को लेकर जो भी खबरें आती हैं, हम अब तक सबसे पहले पहुंचाते हैं। तो दोस्तों आज हो चुकी है 3 फरवरी 2020। सभी राज्यों की हम 10 बड़ी खबरें देखने वाले हैं, जिसमें आपकी मुख्य मुख्य खबरें हैं। बहनों के लिए अच्छी खबर आ चुकी है, बजट 2020 में बहनों के लिए कई घोषणाएं हो चुकी हैं, जिसमें बहनों को मानदेय बढ़ोतरी को लेकर, साथ ही बहनों को स्थायीकरण को लेकर, साथ ही बहनों को मोबाइल फ़ोन को लेकर, साथ ही कई और घोषणाएँ भी बहनों के लिए हुई है। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कौन कौन से राज्य में बहनों का मानदेय बढ़ने वाला है और कहाँ से आपको स्थायीकरण को लेकर खबरें आ रही हैं। सभी राज्यों की छोटी से छोटी खबर इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने साथी बहनों के साथ भी इस वीडियो को जरूर जरूर शेयर करें। और दोस्तों चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस लें, क्योंकि हम आंगनवाड़ी संबंधित किसी भी राज्य की कोई भी छोटी से छोटी खबर होती है, लगातार हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप कौन से राज्य में आंगनवाड़ी के में कार्य करते हैं, कौन से पद पर हैं और हाल फिलहाल में आपको कितना मानदेय मिलता है, कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर बताएं, ताकि आपके राज्य की कोई भी खबर होगी हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। तो सभी खबरें पूरा डिटेल से देख लेते हैं। तो आपकी पहली खबर आ रही है, क्योंकि हम लगातार जो भी आपकी मांगें होती हैं, साथ ही आपका धरना प्रदर्शन होता है, उनको हम सपोर्ट करते हैं, साथ ही आपकी जो भी वैकेंसी आती है उसके बारे में भी लगातार हम आपको अपडेट देते रहते हैं। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के रिक्त पदों पर पूर्ति हेतु आवेदन आमंत्रित। तो कहाँ आपकी वैकेंसी आई हुई देख लेते हैं। तो आपकी भोपाल में आपकी वैकेंसी आई हुई है, बैतूल में। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला और बाल विकास श्री BL विष्णु से प्राप्त जानकारी के अनुसार महिला और बाल विकास विभाग द्वारा आपके आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के पूर्ण स्थायी, अस्थायी और मानदेय आधारित पदों के लिए आपके पत्र मेला अभ्यर्थियों के रिक्त पदों की पूर्ति 10 फरवरी 2020 तक आवेदन आमंत्रित कर दिए गए हैं। श्री विष्णु ने बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पद हेतु परियोजना आमला की आंगनवाड़ी रीखड़ी में आपका एक, बैतूल ग्रामीण आंगनवाड़ी सेहरा में एक, दीवानचार सी में दो और गजपुर बेसदेई और आंगनवाड़ी एड्डापुर में माजवानी में दो, भीमपुर की आंगनवाड़ी खामड़ा में आपके, कारिदा स्कूल डाना में अलग अलग जगहों पर आपकी अलग अलग वैकेंसी है वो आई हुई है। तो आप जल्दी से जल्दी इसका आवेदन है वो 10 फरवरी तक कर सकते हैं, तो आप आवेदन जरूर जरूर कीजिएगा। साथ ही आप कहाँ की वैकेंसी जानना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली खबर हम देख लेते हैं। अगली खबर है, छग के आंगनवाड़ी केंद्र में पढ़ाई होगी छत्तीसगढ़ी में। तो पूरा न्यूज देख लेते हैं हम, क्या है पूरा न्यूज। छत्तीसगढ़ में नवाचार का दौर चल रहा है, इसी क्रम में आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों की स्थानीय भाषा और बोली में शिक्षा देने की तैयारी है। इस नवाचार का मकसद है बच्चों को उचित मानसिक और शारीरिक और सामाजिक विकास के नींव को बेहतर तरीके से बनाना और तैयार करना है। सरकार का मानना है कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग भाषा और बोली प्रचलन में है। सिंदूर वनांचल अनुसूचित क्षेत्रों में विशेष रूप से स्थानीय बोली ही प्रचलित है, इसलिए आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को अब उसकी स्थानीय भाषा और बोली में शिक्षा दी जाए, ताकि बच्चों अपनी मातृभाषा और बोली में उचित और प्रभावी तरीके से सीखें, उनका समुचित विकास हो सके। मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल ने गणतंत्र दिवस के मौके पर ऐलान किया था कि आगामी शिक्षा सत्र में प्रदेश की प्राथमिक आपके शालाओं में स्थानीय बोली भाषाओं छत्तीसगढ़ी, गोड़ी, हलवी, बतरी, सरगुली और कोवड़ा पांडो, आपकी कुड़ी, कमारी आदि मिठाई की व्यवस्था है वो की जाएगी। वहीं महिला बाल विकास विभाग ने आंगनवाड़ी केंद्रों में अनौपचारिक स्कूल पूर्वी शिक्षा में छत्तीसगढ़ी, गोड़ी, हलवी, बतरी आदि भाषाएँ हैं वो भी शामिल कर बोलने के लिए कहा गया है। अगली खबर हम देख लेते हैं कि आपकी अगली खबर क्या है। अगली खबर है, देहरादून और पौड़ी में 275 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवा समाप्त। तो ये लगातार जो भी बहनें हैं वो धरना प्रदर्शन कर रही है आपके उत्तराखंड में, देहरादून में आपके जो भी धरने पर बैठी हैं उनमें से 275 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवा समाप्त कर दी गई है। ये सरकार का बहुत ही दयनीय कदम है, क्योंकि लगातार बहनें अपनी जायज़ मांगों को लेकर धरने प्रदर्शन में बैठी हैं, जिसमें कई बहनों की मांगें हैं वो जायज़ भी ठहराई जा चुकी है, फिर भी बहनों का मानदेय संबंधित कई मांगे हैं वो मानी नहीं जा रही है। तो पूरा न्यूज देख लेते हैं। आंदोलनरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई का क्रम जारी है। दून और पौड़ी में कुल 275 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवा समाप्त कर दी गई है। विभाग की ओर से नोटिस भेजे जाने के बावजूद आंगनवाड़ी के हड़ताल पर अड़े रहने की कार्रवाई की गई है। वहीं विभागीय मंत्री रेखा आर्या ने आंदोलनकारियों से काम पर लौटने की अपील है वो की है। साथ ही चेतावनी दी है कि काम पर न लौटने से बिगड़ रही व्यवस्थाओं के चलते उन पर कड़ी कार्रवाई है वो की
जा सकती है। साथ ही 247 है वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का है वो सेवा समाप्त कर देगी है। बहनों की क्या क्या मांगे हैं, बहनों के 18,000 रुपये करने के समेत 10 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश भर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आंदोलन करते हैं। चेतावनी के बाद भी काम पर न लौटने पर विभाग ने बर्खास्त की कार्रवाई का आपका है वो शुरू कर दे। इसके बावजूद आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हड़ताल पर अड़ी हैं। ऐसे में शनिवार को बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता परेड ग्राउंड में धरना प्रदर्शन पर बैठी हैं। अगली खबर देख लेते हैं। अगली खबर है महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति किया जागरूक। तो ये आपका न्यूज है चंबा का आंगनवाड़ी केंद्र जनशाली में शनिवार को मातृ शिक्षा कार्यक्रम के तहत की हुई बैठक में है अध्यक्ष बावली कुमारी ने की ही। साथ ही उन्होंने महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया और पोषण की जानकारी दी। इस दौरान 25 बच्चों का भार और लंबाई की भी माप की गई है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायकों पद हेतु आवेदन है वो 18 फरवरी तक आप कर सकते हैं। तो आपकी वैकेंसी है बिलासपुर में, अगर बिलासपुर एकीकृत बाल विकास परियोजना बिलासपुर शहरी में रिक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आपके सहायिका की नियुक्ति की जाएगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद हेतु वार्ड क्रमांक 65 आपके 60 और सहायिका के पदों हेतु वार्ड क्रमांक 34-35 और 15 और 3 पदों के लिए यहाँ 4 फरवरी से आप आवेदन 18 फरवरी तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप इन क्षेत्रों से हैं तो जल्दी से जल्दी आप इसका आवेदन कीजिए। अगली खबर है ग्रामीणों के विरोध के बाद सेविका चयन की बैठक स्थगित। तो पूरा न्यूज़ देख लेते हैं कि आपका पूरा न्यूज हरीरगंज का आपका न्यूज है। अरुसुआ खुर्द पंचायत सचिवालय में शनिवार को आंगनवाड़ी सेविका चयन के आयोजित बैठक है वो ग्रामीणों के विरोध के कारण स्थगित कर दी गई। ग्रामीणों आंगनवाड़ी केंद्र का लाभुक क्षेत्र बदल जाने से काफ़ी नाराज थे। बाद में BDO हरिशंकर बारिकी की उपस्थिति में महिला परिवेशिका सुमित्रा कुमारी ने मुखिया के नेतृत्व में सर्वे कर लाभुक का क्षेत्र का पुनर्निर्धारण करने की बात कहते हुए बैठक को स्थगित है वो कर दिया। अगली खबर देख लेते हैं। DDO ने अधूरी आंगनवाड़ी भवनों पर जताई नाराजगी। तो पूरा न्यूज़ देख लेते हैं आपका क्या है पूरा न्यूज। जिला विकास अधिकारी और प्रभारी BDO मिठोरा जगदीश त्रिपाठी ने ब्लॉक क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय सहलू परसा और टिक्की में कार्यकलाप योजना से कार्य और सहलू परसा आंगनवाड़ी भवन का शुक्रवार को सायं निरीक्षण किया। अधूरे आंगनवाड़ी भवन पर है ग्राम विकास अधिकारी और बाल प्रधान से नाराजगी जताते हुए 15 फरवरी तक आपके पूर्ण कराने हेतु निर्देश किया। साथ ही कहा कि लापरवाही होने पर दोनों के खिलाफ हो कार्रवाई की जाएगी। प्रभारी BDO जगदीश त्रिपाठी ने शुक्रवार को शाम जिलाधिकारी के निर्देश में क्रम में ग्राम पंचायत सुहुली परसा में प्राथमिक विद्यालय में कार्यकलाप के कार्य पर निरीक्षण किया। साथ ही हरेंद्र कुमार और ग्राम विकास अधिकारी तंजन सिंह की निर्देशन किया कि 15 फरवरी तक भवन के कार्य पूर्ण करें अन्यथा ग्राम विकास अधिकारी को निलंबित है वो कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी आपकी खबरें। हम अब जान लेते हैं कि आपका बजट में बहनों को क्या तोहफा दिया गया। साथ ही जो बहनों की हड़तालें चल रही है उसका क्या रिजल्ट रहा है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि 1 फरवरी का आपका बजट आ चुका है उसमें बहनों को है कुछ तोहफे दिए गए हैं जिसमें से बहनों को है 6 लाख जो आंगनवाड़ी के अंदर है पूरे देश भर में उनको सभी को स्मार्टफोन वितरित किया जाएगा ताकि आंगनवाड़ी केंद्र थोड़े मॉडर्न हो सके। साथ ही जो भी जानकारी है वो सभी आपकी केंद्र सरकार तक पहुँचे। इसमें आपका अधिक पैसा दिया जाएगा ताकि अभी सभी आपके जो ग्रामीण केंद्र हैं आंगनवाड़ी केंद्र हैं उनका विकास हो सके। साथ ही बहनों को सारी जो जानकारी रजिस्टर में करनी होती थी अब वो मोबाइल फ़ोन में बहने करने वाली हैं। साथ ही मोबाइल फ़ोन सरकार आपको निःशुल्क देने वाली है। साथ ही इसके लिए आपको साथ ही रिचार्ज सेवा भी सरकार है वो मुहैया करवाएगी क्योंकि सरकार के द्वारा आपको सिम का और साथ ही जो भी खर्चा होने वाला है फ़ोन में वो सरकार ही मुहैया कराने वाली है। साथ ही जो मातृत्व आपके अवकाश होते हैं उनमें भी सरकार है वो बढ़ोतरी करने वाली है। लगातार बहनों को है ये दिक्कत रहती है कि उनको मातृत्व जो अवकाश होता है प्रेगनेंसी का टाइम वो कम मिलता है तो बहनों के लिए वो भी अच्छी खबर है कि उनको मातृत्व अवकाश में है वो आपकी काफ़ी इजाफा सरकार करेगी। इसके अलावा जो भी आपकी उत्तराखंड में हड़ताल चल रही है सरकार को कहीं डर है कि वो सभी राज्यों में हड़तालें बहने ना कर दे तो उसके लिए भी सरकार एक नया मसौदा तैयार कर रही है तो उसका भी ऐलान आपको जल्दी हो सकता है। और बात करें उत्तराखंड की बहनों का तो वो लगातार लगभग 2 महीने से आंदोलन पर बैठी है। लगभग 247 बहनों का है वो सेवा समाप्ति भी कर देगी बट बहनें डटी हुई हैं ताकि उनकी 10 सूत्री मांगे हैं वो पूरी की जा सके। जब तक बहनों की मांगे पूरी नहीं की जाती तब तक बहनें खड़ी वहाँ से नहीं होने
होने वाली हैं। बहनें लगातार अनशन की वजह से हैं, वो बीमार हालत में भी पड़ी है, चाहे बरसात हो, चाहे आपकी ठंड हो, चाहे धूप हो, बहनें वहाँ डटी हुई है, लगातार अपने घर वालों का सपोर्ट भी नहीं है, फिर भी बहनें अपनी जायज़ मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। तो इसका जल्दी आपका रिजल्ट आने वाला है, तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।